नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का चांस 99% से ज्यादा क्यों है? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का चांस 1% से कम क्यों है? मोदी की सीटें कहां प्लस, कहां माइनस और कहां 100/100 हो रही हैं? राहुल गांधी की सीटें कहां प्लस, कहां माइनस और कहां जीरो हो रही हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, 24 के चुनाव का यह अनुमान है अंतिम। 6 राउंड की वोटिंग के बाद अब सिर्फ 57 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। यूं समझिए कि हाथी निकल गया, बस पूंछ बची हुई है। चुनाव बाद क्या क्या होना है, कई पार्टियों के भीतर अभी से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के भीतर पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। बड़े बड़े नेता ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ किया जाना है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार के अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर पीएम मोदी पहले ही बहुत सारी बैठकें कर चुके हैं और एक तरह से उस एजेंडे को फाइनल कर चुके हैं। अगली सरकार की रूपरेखा क्या होगी, पार्टी के भीतर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। वोटिंग लाइन 1 जून को बंद हो जाएगी, प्रचार तो उसके 2 दिन पहले ही यानी कि 30 तारीख को शाम में खत्म हो जाएगा। 4 जून को वोटों की गिनती होगी, उसके बाद आगे क्या कुछ किया जाना है बीजेपी के इलेक्शन वॉर रूम में, इस बात को लेकर बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। 24 के चुनाव में एक ही नंबर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, 400। पूरे चुनाव में एक ही नारा चला, अब की बार 400 पार। 40 दिन के चुनावी सीजन में जो नंबर चला वो 4 जून को नहीं चलेगा। 4 जून को दूसरा मैजिक नंबर हेडलाइन में होगा, वो नंबर है 272। सरकार बनाने का मैजिक फिगर है। जो 272 सीट जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी का रेंज 300 प्लस से स्टार्ट होता है। मोदी कहते हैं वो 400 अभी हैं, उनको 400 के पार जाना है। इस 400 में 272 का तो कोई डाउट है ही नहीं। राहुल का रेंज 50 प्लस से स्टार्ट होता है। कांग्रेस को भी यकीन नहीं है कि उसे 272 सीटें आएंगी। पिछले 40 साल से कांग्रेस को भी कभी 272 सीटें आई भी नहीं है। राहुल गांधी का लक्ष्य 140 सीटों का है। इनमें से 100 सीटें आ गई तो भी 10 जनपद बंगले में मिठाइयां बटेंगी। यानी मोदी का न्यूनतम राहुल के अधिकतम का डबल या ट्रिपल होगा। राहुल ने बहुत अच्छा किया तो मोदी के हाफ होंगे, राहुल ने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो मोदी के क्वार्टर तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। सपा कांग्रेस का एनडीए गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। बीजेपी कैंप में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करें या फिर किसी छोटे कार्यकर्ता से, सब इस बात को कहते नजर आएंगे कि पीएम मोदी का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बेजोड़ है।
पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने पार्टी को कई जीत दिलाई है, खासतौर पर तब जब किसी इलेक्शन में पार्टी नैरेटिव में चेहरे के तौर पर पीएम मोदी स्थापित हो जाते हैं वहां बीजेपी को शत प्रतिशत सफलता हासिल हुई है। ऐसे में 2024 का चुनाव भी कोई अलग जाता नहीं दिख रहा है। पार्टी के भीतर किसी को भी ये संदेह नहीं है कि पार्टी की सीटें पिछले चुनाव से एक भी कम होने जा रही। सभी इस बात को लेकर चर्चा में मशगूल हैं कि आखिर सीटें बढ़ेंगी तो कितनी, आंकड़ा कहां तक जाता है। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो वहां बीजेपी लगभग सेचुरेशन पॉइंट के करीब है। ऐसे में सारी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार दक्षिण और पूर्वी भारत कमल को कितनी ताकत देता है। मोदी की पार्टी के अंदर सीटों का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है ये थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले राहुल गांधी के कैंप का कैलकुलेशन दिखाते हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो रिपोर्ट पहुंची है और पार्टी ने इनसाइडर इकोसिस्टम को जो अपडेट किया है वो कुछ इस तरह का है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपने पीक पर थी, मोदी का वो पीक टाइम निकल चुका है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लगता है कि उनकी सीटें 52 से बढ़कर 90-95 तक जा रही हैं। कांग्रेस जितना गेन करेगी वो बीजेपी की टैली से ही कम होगा। बीजेपी कमजोर होगी तो कुछ सीटें रीजनल पार्टियां भी छीनेंगी। कांग्रेस के कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी पार्टियां अगर 90 तक गईं तो बीजेपी 303 से घटकर 240-250 के रेंज में चली जाएगी। इस कैलकुलेशन में दो बातें नोट करने वाली हैं। नंबर वन, कांग्रेस को भी लगता है कि वो 100 पार नहीं कर रही है, और नंबर टू, कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी 240 के नीचे नहीं जा रही है। सब तरफ घूमे हैं, हमको तो ये अंदाजा लग रहा है, और एक भारी अंडरकरंट चल रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें लाएंगी, और गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाएंगे, और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जितने सीट होना है उतने नहीं मिलेंगे, हम उसको रोक पाएंगे। अब नोट करना शुरू कीजिए, कांग्रेस कहां कहां अपने लिए गेन देख रही है। कांग्रेस के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक कर्नाटक में उसे 12 सीटें मिल सकती हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, यानी कर्नाटक में कांग्रेस 11 सीट का फायदा देख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 10 सीटों पर जीत दर्ज करने की सोच रही है। 2019 में तेलंगाना में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, यानी तेलंगाना में कांग्रेस को 7 सीट का फायदा नजर आ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, ये 8 सीटें कांग्रेस रिटेन करती दिख रही है, यानी कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन से भी तमिलनाडु में उसे कोई नेट गेन नहीं हो रहा। केरल में कांग्रेस को अपने लिए 13 सीटें दिख रही हैं, अभी कांग्रेस के पास 15 सीटें हैं, यानी उसे 2 सीटों का घाटा दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस शून्य है, अभी उसे शून्य पर ही रहना है, यहां भी उसे कोई गेन नहीं हो रहा। कांग्रेस को पुडुचेरी की 1 सीट अपने पास आती दिख रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर दक्षिण भारत की 132 सीटों में से कांग्रेस के पास अभी 29 सीटें हैं। 2019 में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट था 22%। कांग्रेस के इंटरनल कैलकुलेशन के मुताबिक 2024 में कांग्रेस दक्षिण भारत में 44 सीटें जीत सकती है, यानी बेस्ट टू बेस्ट राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 32 से बढ़कर 33% हो सकता है। बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं अकेला जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट
परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूरत, वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है, या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है, या सुबह 7 बजे आती है, या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। पश्चिम भारत यानी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और राजस्थान के साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दें तो लोकसभा की 103 सीटें होती हैं। पश्चिम भारत की 103 सीटों में से बीजेपी के पास 75 हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट हैं। मोदी का स्ट्राइक रेट 73% का है, पश्चिम भारत में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 2% है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पश्चिम भारत में भी गेंद देख रही है। कांग्रेस के लिए गुजरात होपलेस स्टेट है, महाराष्ट्र और राजस्थान में होप होती दिख रही है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में महाराष्ट्र में उसे 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, यहां वो 7 सीटों का गेंद देख रही है। राजस्थान में उसे 5 सीटें कंफर्म लग रही हैं, यहां 5 की 5 गेंद है। गोवा में कांग्रेस के पास 1 सीट है, उसे लगता है कि 1 सीट रिटेन हो जाएगी। दमन और दीव की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान है। गुजरात में कांग्रेस को 1 भी सीट जीतने की होप नहीं है। अपने अनुमान में कांग्रेस पश्चिम भारत में 2 सीट से बढ़कर 15 तक पहुंचती दिख रही है, यानी राहुल का स्ट्राइक रेट 2 से बढ़कर 14% तक हो सकता है। यह अनुमान कांग्रेस का अपना है, यह उसके लिए बेस्ट सिनारियो है। दक्षिण और पश्चिम की सीटों को जोड़ लें तो कांग्रेस को 235 सीटों में से अपने लिए 59 सीटें दिख रही हैं। ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं, ये उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है, एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में। राहुल गांधी हर रोज मोदी की सीटों का अनुमान बताते हैं, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी इसका अनुमान कभी नहीं बताते। कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, राहुल की पार्टी का अपना इंटरनल असेसमेंट क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत के बाद अब चलते हैं उत्तर भारत, 166 सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और एमपी तक लोकसभा की 166 सीटों में से बीजेपी के पास 131 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 सीटें हैं। कांग्रेस की 12 सीटों में से 8 सीटें अकेले पंजाब में हैं। इस बार कांग्रेस कितना स्कोर करेगी? राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया में 12 से बढ़ेंगे तो 24 होंगे, 36 होंगे या 48 हो जाएंगे? कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को जो बताया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस शून्य है, शून्य ही रहेगी। लद्दाख की 1 सीट पर वो खुद को फाइट में बताती है। पंजाब में कांग्रेस 8 से घटकर 6 हो सकती है, नेट 2 सीटों का लॉस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अपने लिए 1 सीट का गेन दिख रहा है, शून्य से बढ़कर वो 1 हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस को अपने लिए 4 सीटें दिख रही हैं, यहां उसे जो भी मिलेगा वो फायदा ही फायदा होगा। दिल्ली में 7 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट पर जीत का अनुमान लगा रही है। यूपी में कांग्रेस को लगता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें वो जीत सकती है। एमपी में वो 1 सीट है, बेस्ट सिनारियो में कांग्रेस बढ़कर 4 सीट हो सकती है, 3 सीट का गेन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अनुमान है कि वो बीजेपी से 2 सीटें छीन लेगी, 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी। कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन के मुताबिक नॉर्थ इंडिया की 166 सीटों में से वो अधिक से अधिक 11 सीटों का गेन कर सकती है, 12 सीट से बढ़कर वो 23 सीट तक पहुंच सकती है।
दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत की 401 सीटों को जोड़ दें तो कांग्रेस को अपने लिए 59+23 यानी 82 सीटें दिख रही हैं। बचा पूरब और पूर्वोत्तर तो वहां भी कांग्रेस के पास बढ़ने का ज्यादा स्कोप नहीं है। बिहार में कांग्रेस एक सीट से बढ़ भी गई तो दो हो जाएगी। बंगाल में अधीर रंजन के बहरामपुर सीट को बचा लेना ही उपलब्धि होगी। ओडिशा में कांग्रेस एक सीट पर है, एक सीट बचा लेना ही बड़ी बात है। झारखंड में इंडी अलायंस ने बहुत अच्छा किया और बीजेपी ने बहुत बुरा किया तो कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम और नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों पर कांग्रेस को लगता है कि वो 4 सीटें जीत सकती है। इस तरह 543 सीटों में से कांग्रेस अधिक से अधिक 91 सीटों पर जीत की सोच रही है। जीत कितना पाएगी ये अलग बात है। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। अब आपको बीजेपी कैंप का कैलकुलेशन बताते हैं। 400 पार का नारा पूरा हो रहा है या नहीं, इस पर बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर कोई नेता नजर आ रहे हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बॉडी लैंग्वेज को देखना हो तो वो देखिए, उनके भाषण को सुनना हो तो वो सुनिए। उसमें खास रणनीति के तहत शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके सहारे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। विदेश नीति के बारे में भी वो बोल रहे हैं, करप्शन को लेकर भी अपना प्लान बखूबी बता रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि 4 जून को वही आ रहे हैं और उसके आगे उन्हें क्या कुछ करना है। पीएम मोदी ने 400 का नारा दिया और बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक बहुत सक्सेसफुल नारा था। पीएम मोदी खुद इंडिया टीवी के कार्यक्रम सलाम इंडिया में इस बात को स्वीकार चुके हैं कि इस पॉलिटिकल नारा में अपोजिशन बुरी तरह से उनके ट्रैप में आ गया। चार सौ अगर मोदी का ट्रैप था तो इलेक्शन का नंबर क्या है? 4 जून को नरेंद्र मोदी कितना स्कोर करेंगे? बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट यह है कि महाराष्ट्र में उसकी अपनी सीटें नहीं घटने जा रही। 23 का नंबर कमोबेश बरकरार रहेगा। बिहार में बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। सहयोगियों की सीटें घट सकती हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी की अपनी सीटें नहीं घटने वाली। दिल्ली में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं दिख रहा। हरियाणा में बीजेपी को 3 सीटों के लॉस का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की 1 सीट घट सकती है। कर्नाटक में 5 सीटों का घाटा हो सकता है। राजस्थान में 4 या 5 सीटें घट सकती हैं। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में घाटे का सवाल ही नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी को 14 सीटों का घाटा हो सकता है। इसकी भरपाई कहां होगी? भरपाई होगी यूपी से, बंगाल से, ओडिशा से और तेलंगाना से। यूपी में बीजेपी को कम से कम 8 सीटों का गेन दिख रहा है। 62 से बढ़कर बीजेपी 70 हो सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4 से 7 सीटों का फायदा देख रही है। तेलंगाना में 2 से 3 सीट का फायदा। तमिलनाडु में बहुत अच्छा हुआ तो 2 सीट। पूर्वोत्तर में 3 सीट और अंडमान निकोबार की 1 सीट का फायदा बीजेपी को दिख रहा है। टोटल गेन की बात करें तो 23 से 24 सीटों के फायदे का अनुमान बीजेपी ने लगाया है। प्लस वाली सीटों से माइनस वाली सीटों को घटा दें तो भी 10 सीटों का नेट गेन बीजेपी अपने लिए देख रही है। 10 सीटों के नेट गेन का मतलब है बीजेपी की सीटें 303 से बढ़कर 313 तक पहुंच सकती हैं। अब दो नंबर सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने अपने असेसमेंट के अनुसार
वो बहुत अच्छा करेगी तो मैक्सिमम 91 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के अपने असेसमेंट के अनुसार वो बहुत बुरा करेगी तो मिनिमम 313 सीटें जीतेगी ही जीतेगी। ये तीन बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा, पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए राजनीतिक दल अपने प्रचार के सहारे एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसमें ऐसा देखा जाता है कि तथ्यों को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और फिर अपने नैरेटिव को सामने रखा जाता है। इस बार के चुनाव में भी ऐसा हुआ। पीएम मोदी ने भी एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इसी काम को किया। राहुल गांधी चुनावी सभा में संविधान की प्रति लेके जाते थे, उसे दिखाते थे और लगातार बोलते रहे कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आ गई तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देगी। लेकिन राहुल का ये नैरेटिव जमीन पे खड़ा नहीं हो पाया। पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र यूपी और बिहार में कांग्रेस पार्टी को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जहाँ तक मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात की बात है, वहां तो इसका फायदा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। चुनाव सिर्फ नैरेटिव पर नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव लड़ने के लिए नैरेटिव के साथ नेता, संगठन और संसाधन भी चाहिए होता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी तीनों ही मामलों में विरोधियों से 100 मील आगे चल रही है। नेता और संगठन के मामले में कुछ रीजनल पार्टियां ही बीजेपी से लड़ पा रही हैं, लेकिन संसाधन के मामले में उनकी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। ममता की पार्टी हर चुनाव के साथ सिकुड़ती जा रही है। उड़ीसा में यही हाल नवीन पटनायक का है। यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी लड़ तो रहे हैं, एक दो सीटें जीत भी जाएं, लेकिन बड़ी लड़ाई में वो मोदी को हरा दें इसकी संभावना ना के बराबर है। लोकसभा चुनाव का आखिरी राउंड 1 जून को खेला जाना है। मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी का चिट्ठा खोलकर बड़ा खेला कर दिया है। मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी को मोदी ने घेर लिया, लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा, कितनी सीटों का नतीजा बदलेगा, किसे होगा नफा और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या वोट बैंक ने इंडी अलायंस की हार तय कर दी? मोदी के यार्कर पर राहुल अखिलेश कैसे क्लीन बोल्ड हो गए? नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर इंडी अलायंस की ऐसी घेराबंदी कर दी है जिससे आखिरी राउंड में उनका हारना तय है। मोदी का 100% जीतना पक्का है। साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है, वहीं मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं वो क्या है? क्या वन सिटी वन माफिया पॉलिसी से भी इसका कोई कनेक्शन है? जवाब बहुत सिंपल है। ये मुस्लिम वोट बैंक है जो यूपी में 20% है और करीब 15 सीटों पर नतीजे पलट सकता है। 2017 से पहले मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं के जरिए इस वोट बैंक को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन 2017 में योगी महाराज के सत्ता में आते ही एक एक कर तमाम माफिया मिट्टी में मिला दिए गए और राजनीति के इस मॉडल पर बुलडोजर चल गया। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था,
अब ऐसा नहीं है। अब हाँ, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया कि अब इंडी अलायंस वाले वोट बैंक पॉलिटिक्स का नया मॉडल लेकर आए हैं। वो मॉडल है मुस्लिम आरक्षण का। आप भी इसे रोज सुनते होंगे, आखिर ये मुस्लिम आरक्षण आया कहां से? साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मुस्लिम वोट बैंक को आरक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तब भी मुसलमानों को आरक्षण के लिए संविधान बदलने की बात करती थी और इस बार इंडिया अलायंस वोट बैंक के लिए वही पॉलिटिक्स कर रहा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सपा पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 20% खास मतदाताओं के लिए आरक्षण का ऐलान अपने घोषणा पत्र में किया था। प्रूफ के लिए तारीख देख लीजिए, 2 अप्रैल 2014, जगह लखनऊ। एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस पीएसी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए। 2014 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और क्या क्या वादा था, ये भी जान लीजिए। मुसलमानों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की बात कही थी। आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद निर्दोष मुसलमानों को जेल से रिहा करने का आदेश था। बाद में बम ब्लास्ट के आरोपियों को अखिलेश यादव की सरकार में रिहा भी किया गया था। पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो बात है, उसमें एक चीज और हमने जोड़ी है कि जो दलित ईसाई और दलित मुसलमान हैं, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करती है तथा सत्ता में आने पर इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार मुस्लिम बहुल जनपदों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने, पुलिस और पीएससी भर्ती में 15% मुसलमानों को नौकरी देने, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था करने तथा आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम करेगी। यूपी में मुस्लिम आरक्षण का फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है और इससे रिटर्न कितना आता है? यूपी में मुस्लिम 20% हैं, लेकिन 11 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% तक हैं।
इनमें रामपुर 50%, मुरादाबाद 47%, बिजनौर 43%, सहारनपुर 42%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 40%, बलरामपुर 38%, बरेली 35%, मेरठ 35%, बहराइच 36% और श्रावस्ती 31%। लेकिन जब यादव और मुस्लिम जुड़ता है तो एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है, जिसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में पड़ता है। यूपी के सातवें चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उनमें गाजीपुर, घोसी और सलेमपुर में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन काफी असरदार है। हालांकि अगर रिटर्न की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 2014 में 58% मुस्लिम मतदाताओं ने सपोर्ट किया था, लेकिन 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में SP-BSP गठबंधन को 73% मुसलमानों ने वोट दिया था, तब भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 46% मुस्लिम मत मिले, लेकिन सीट 54 मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 82% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला और उसे 111 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों से जो बात उभर कर सामने आती है कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण से समाजवादी पार्टी टक्कर में तो आ जाती है, लेकिन सीटों के तौर पर कोई खास रिटर्न उसे नहीं मिलता। उल्टा अगर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ तो आखिरी चरण में समाजवादी पार्टी को 2019 में जीती आजमगढ़ सीट पर भी झटका लग सकता है और BJP क्लीन स्वीप कर सकती है। कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? क्या लेकिन मोदी विरोधी मुस्लिम आरक्षण के सहारे 24 में प्रधानमंत्री बनने और बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी के आगे बिहार में तेजस्वी यादव भी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे हैं। बिहार में 17% मुस्लिम है, सीमांचल की 4 सीटों पर निर्णायक है, लेकिन ओवैसी किशनगंज में लालू का खेल बिगाड़ रहे हैं तो पाटलिपुत्र में भी उन्होंने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को घेरने की तैयारी कर ली। तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंदिर को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभाएं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए जैसा आज मैं आया हूं।